अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह से उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने टेलरिंग स्क्वायर के समझने के लिए जो सीरीज शुरू की थी उसकी आज छठी वीडियो है। इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, यानी पहली दूसरी तीसरी, तो उसको आप देख ले ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आपका टाइम ज़ाया किए बगैर आपको ले चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हम स्क्वायर के तीसरे हिस्से पर इंशाल्लाह बात करेंगे। तो स्क्वायर का तीसरा हिस्सा जो है ये दो जगहों में इस्तेमाल होता है। नंबर एक, ये कमीज के कंधे में इसका इस्तेमाल होता है, और नंबर दो, शर्ट के कंधे में इसका इस्तेमाल, यानी शोल्डर में, शर्ट के शोल्डर में या कमीज़ के शोल्डर में इसका इस्तेमाल होता है। तो चलते हैं आपको प्रैक्टिकल में बताते हैं। तो ये देखें, मिसाल के तौर पर ये हमने कपड़ा बिछा दिया है शर्ट या कमीज़ के लिए। ये देखें डबल कपड़ा, इसमें हमने पहला मार्क कर दिया। अब इसके लिए कॉलर 15 और शोल्डर आप 18 फर्ज कर लें। तो हमारी बात यहाँ पे हो रही है, ये जो थर्ड लिखा हुआ है, तीसरा हिस्सा, 1/3 थर्ड, इसमें हमने बात करनी है। तो पहले तो इसके कॉलर का हम निशान लगा लेते हैं। कॉलर का मैंने आपको बताया था छठे हिस्से में, 15 कॉलर है तो 15 के सामने आप निशान लगा दें, छठे हिस्से में 15 के सामने आप निशान लगा दें। तो ये आता है 2.5 इंच। अब 2 सूतर यहाँ से कम आप निशान लगा दें, यानी 2.25 पे आप निशान लगा दें। तो इसी तरह मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हम शोल्डर डाउन ये हम चटे के हिसाब से रखते हैं, यानी ये जो JTHS लिखा हुआ है चटा, वहाँ पे आप देखें कॉलर के सामने, आप देखें 15 के सामने तो 2.5 इंच आता है, उसी हिसाब से 2.5 इंच आप यहाँ पे शोल्डर डाउन रख दें। यहाँ पे छोटा सा निशान आप लगा दें। अब देखें आते हैं अपने मकसद की तरफ। वहाँ पे हमारे पास शोल्डर है 18, तो तीसरे हिस्से में आप देखें ये जो THIRDS लिखा है थर्ड्स, इसमें आप देखें 18 शोल्डर, तो 18 शोल्डर के सामने आते हैं बिल्कुल 6 इंच, तो 6 इंच इसका कंधा आएगा। अब ये 6 इंच के साथ आप सिलाई रख दें, तो सिलाई 18, फिर आगे देखें उससे 19, फिर देखें 20, तो ये 2 पॉइंट आपने बढ़ा देने सिलाई के लिए, क्योंकि हम ये 1 पॉइंट है 18 से 19 तक, इतना मार्जिन हम सिलाई के लिए रखते हैं। आप अपने हिसाब से रखें जितनी आप सिलाई मारते हैं, मगर हमारा मार्जिन इतना ही होता है। तो 18 19 20 20 के सामने आप देखें 6.5 इंच एक सूत्र आ रहा है, तो ये कंधा हो गया हमारे पास। ये देखें आप, ये हमारे पास कंधा आ गया 18 शोल्डर के लिए। हमारे पास इसी तरह शर्ट में भी ये हिसाब इसी तरह आप लगाते जाएं। 18 शोल्डर हो तो उसके सामने आप देखें उसमें 2 पॉइंट आप जमा कर दें, 19 20 उसके सामने आता है तकरीबन 6.5 इंच एक सूतर। इसी तरह 19 शोल्डर हो, यानी 19 13 हो, तो उसके सामने आप देखें ये आते हैं 6.25 इंच एक सूतर, तो आप 2 पॉइंट इसमें जमा कर दें। 20 21 21 के सामने 7 इंच आते हैं, तो 7 इंच शोल्डर होगा किसके लिए, 19 इंच तीरा के लिए। इसी तरह 20, इसी तरह 21 22, यानी 2 पॉइंट उसमें आप ज़्यादा करते जाएं। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है और ये थ्योरी है हमारे पास कंधे के लिए। तो ये तीसरा हिस्सा जो है ये शलवार कमीज में, यानी कमीज में और शर्ट में, और शर्ट में और शलवार कमीज में कहाँ पे, यानी कंधे में, यहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। तो हम तीरे को देखेंगे
जितना तीरा होगा उसी के सामने हम देखते जाएंगे और दो पॉइंट इसमें बढ़ाते जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास ये जो हासिल आए इसी हिसाब से हम रखेंगे कंधे को। उम्मीद है आपको इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।